नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार सेट IIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूँगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 6 पन्ना का त्याग पाठ को लेके आए। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है, इसमें कि त्याग को बताने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर चुके करती है। आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। एक प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही करते हैं, वो है गृहकार। बच्चों को आप गृहकार देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को गृहकार करना अच्छा नहीं लगता है, बोझल लगता है। तो क्यों ना इस गृहकार की प्रक्रिया को थोड़ा सा और रोचक बनाया जाए, इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है पन्ना का त्याग, माफ करिए, हमारे नवाचार का नाम है गृहकार, पाठ का नाम है पन्ना का त्याग। गृहकार नवाचार की अगर नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों का गृहकार करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, इनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और इस नवाचारी क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन में हमें कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर पन्ना का त्याग पाठ से संबंधित बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना है। साथ ही पन्ना का त्याग पाठ से संबंधित एक तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। ये हमारी स्टेशनरी है और पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया में हम बच्चों का सृजनात्मक लेखन की जानकारी को दोहराएंगे। और यहाँ पर पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया में पहली विशेष बात ये है कि हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि आपने इस पाठ को बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब आप पाठ का पुनर्अध्ययन करेंगे, घर जाकर बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों को आपको घर जाना है, घर जाकर अपने अभिभावक की मदद से अपने घर या घर के किसी बड़े से किसी महान व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने स्वामी भक्ति में अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया हो, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है और उस जानकारी को अपने शब्दों में लिख कर डालना है। इसके लिए आप अपने अभिभावक की पूर्णतः मदद लेंगे और अभिभावक को भी निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों की आप पूर्णतः मदद करेंगे और बच्चों को स्वामी भक्ति के साथ साथ त्याग के बारे में बताते हुए बच्चों को उस पर त्याग के बारे में बताते हुए बच्चों को विशेष बल देना है। साथ ही बच्चों को इस तालिका को कक्षा में लाने के लिए भी प्रेरित करना है। बच्चों को जो तालिका दी जाती है उसमें विद्यार्थी का नाम, महान व्यक्ति का नाम और उसकी जानकारी यहाँ पर लिखी होती है जो तालिका दी जाती है, बच्चे इसको भर के और कक्षा में लेकर आने के लिए कहा जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि बच्चे इसको तालिका को भर के लेके जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों उस तालिका को आप जब भर के अगले दिन लाएंगे तो आप इससे संबंधित जानकारी के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा और जो जानकारी आप तालिका में भर के लाए हो, चार्ट में भर के लाए हो, वो आप सभी बच्चों के सामने कक्षा में पढ़ के सुनाओगे। इससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा, साथ ही दूसरे बच्चे सुन रहे हैं उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। तो बहुत ही रोचक प्रक्रिया है और इस रोचक प्रक्रिया के साथ साथ देखा जाता है कि बच्चों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है और इस प्रकार से पन्ना का त्याग पाठ का पुनर्अध्ययन गृहकार नवाचार की मदद से किया जाता है। हमने देखा कि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा रोचक लगता है, अच्छा लगता है और बच्चों को करने में इस गृहकार को करने के लिए उनको क्या है कि बहुत सारी जानकारी एकत्रित करनी है, फिर उनको करना है तो उनको बहुत अच्छा भी लगता है और बच्चों को इससे कॉन्सेप्ट भी बहुत लंबे समय तक बच्चों के दिमाग में रहता है क्योंकि वो अनुभव करके फिर अपने गृहकार को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखा जाता है कि इस नवाचार को आप भी अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वित कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रोचक नवाचार है। तो ऐसे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे, दिलचस्प वीडियो आप तक लाते रहेंगे ऐसे ही। और अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पर्सनल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।